फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो ये जो सारे दो वोल्ट वाले हैं उनको मैं एक सर्फेस से जोड़ दू वहां पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल अगर दो ही वोल्ट है तो वो एक इक्वी पोटेंशियल सारे, वोल्ट सारे को जोड़ लू मैं वो अगर एक ही सर्फेस पे लाई करते हैं तो वो दूसरा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हो गया सो so बेसिकली इक्वी पोटेंशियल सर्फेस एक ऐसा सर्फेस है विच इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स जो सिमिलर पोटेंशियल होल्ड करते हैं सिमिलर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो जो भी शेप या सरफेस बनता है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बुलाते हैं तो लेट्स टेक अ रीजन जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक चार्ज Q है एंड दैट नीड्स टू बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस डेल्टा आर है तो वी नो दैट डी इज माइनस ये थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि डेल्टा वी माइनस ई होता है तो e dot dr को मैं एक्सपैंड करूं तो वो होगा e पे तो dv by dr हो गया इन पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं हम वो होता है माइनस ई थीटा तो थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो dv बाई डी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos थीटा जीरो होता है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो डी बाई डी आर अगर कॉन्स्टेंट हो गया वो तभी हो सकता है अगर है कि मैं ऐसे सारे पॉइंट्स लू विच बेसिकली मेक नाइंटी डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करूं वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ही मुझे देंगे तो मैंने दो ऐसे सर्फेस बनाए हैं v1 पहले का पोटेंशियल होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड v2 दूसरे का होगा एंड वी टू विल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है इसका मतलब यह है कि v1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा और v2 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वी टू विल बी लेस देन v1 तो अगर मैं कंडक्टर लू हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के इनसाइड e की वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब क्या है v कांस्टेंट ही होना पड़ेगा तो कंडक्टर के अंदर आप किसी भी शेप का सरफेस बनाओ वो इक्वी पोटेंशियल ही होने वाला है सो दिस एक्सप्लाइड द फैक्ट दैट कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है सो लेट्स डू अ स्मॉल कॉन्सेप्ट टेस्ट एक चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज वन पॉइंट फोर है वो 0.4 मीटर मूव करती है अलोंग एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस तो एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पे ही मीटर मूव करती है तो हमको वर्क डन बाय द फील्ड ड्यूरिंग दिस मोशन निकालना है हम जानते हैं वर्क डन बाय द फील्ड वुड बाइनस क्यू डेल्टा बी अब इक्वीपोटेंशियल सर्फिस का डेफिनेशन ही होता है कि डेल्टा बी जीरो है इसका मतलब यह है कि वर्क डन जीरो है सो दिस इज अ प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है जैसे ही हम इक्वीपोटेंशियल सर्फिस के अलोंग मूव करते हैं इसका मतलब वर्क डन हमेशा जीरो होने वाला है सो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन दैट वी हैव डन सो फार हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा उसका एक्सप्रेशन देखा टू चार्ज सिस्टम के लिए हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और रिलेशन वर्क के साथ क्या होता है वन थिंग टू रिमेंबर इज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटीज होती है देन वी सॉ किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं डाइपोल का पोटेंशियल देखा एंड फाइनली वी सॉ द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड